हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे विनी व्लॉग डे टू का पार्ट टू है और हमने काजू पिजामे पार्टी करके हम निकल लिए हैं बागौर की हवेली के लिए। तो बागौर की हवेली में बहुत सारी भीड़ देखी, तो मुझे भीड़ कम पसंद है। हम आगे निकल लिए, हमने देखा गणगौर घाट देख लेते हैं। गणगौर घाट पे तो उससे भी ज्यादा भीड़ थी, पर वहां पर कुछ फंक्शन भी हो रहा था, टेंट वेंट लगाया था, लोग भी उसको देख रहे थे। व्यू काफी अच्छा लग रहा था, पर वो क्या है, स्पेस काफी अच्छा था तो हम भी वहां रुक लिए और आनंद लिया। वहां जाकर हमने देखा कि काफी लोग बोटिंग कर रहे थे, हमने भी बोटिंग की करने का विचार किया, बट हमसे हो नहीं पाया क्योंकि वो टाइम बहुत ज्यादा हो चुका था। फिर प्रयाग गए और हम वहां घूमने लगे, साइड में देखा वहां का आर्किटेक्चर बहुत ही प्यारा था, मतलब जाने का मन ही नहीं करता अगर एक बार वहां चले जाओ तो। तो फिर प्रयाग ने कहा कि मम्मा चलो अपन थोड़ा पानी में भी जाके आते हैं, तो मैंने उसको मना कर दिया। पर आप तो जानते हो कि प्रयाग तो जिद्दी है, वो तो बोलने से पहले जूते उतार के खड़ा था और जाके वो पानी में बैठ गया। मैंने कहा बेटा सीढ़ियों पर ही बैठना, आगे मत जाना, और वो सीढ़ियों पर बैठ गया और मुझे भी कहने लगा आप भी आ जाओ मम्मा। मैंने कहा नहीं बेटा मैं नहीं आऊंगी, और मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए चली गई। मैंने मंदिर में दर्शन किया, फिर मुझे याद आया कि प्रयाग तो अकेला छोड़ के आई हूँ, तो मेरा मन नहीं माना, मैं फिर से चली गई। फिर प्रयाग के पास बैठी, प्रयाग ने मेरे पैर गीले कर दिए और फिर मेरा थोड़ा गीला पैर हो गए, तो मुझे भी लगा कि चलो मैं भी थोड़ा इंजॉय करती हूँ। मैंने प्रयाग के साथ में थोड़ी मस्ती कर ली तो मुझे बहुत अच्छा लगा, रिलैक्स फील हुआ और चारों तरफ का व्यू भी इतना प्यारा लग रहा था। फिर यहाँ पर जगह खाली थी, कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं थे, तो हमने सोचा यहाँ पर हम फोटो खींच ले। हमने फोटो खींचे, जो पीछे से व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था। आप भी आके यहाँ पर फोटो जरूर खिंचवाएं, बहुत अच्छा लगेगा। और दूर से हमने देखे बहुत सारी चीजें दिख रही थी वहां से, और यहाँ का आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छा है। अब टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है तो हमने सोचा कि हम घर चलते हैं। तो मेरे अगले व्लॉग को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।